हे हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन एग्जाम फॉर्म फीस रिफंड रिगार्डिंग। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट बताऊं, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सभी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकन वाला बटन जो प्रेस कर देना, ताकि सीए एग्जामिनेशन रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, अनाउंसमेंट और नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। नाउ अपडेट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यस, इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप सीए फाउंडेशन एग्जाम सितंबर 2024 का एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो एग्जाम फॉर्म के जो फीस होते हैं उसको रिफंड आने के कुछ गाइडलाइन। नाउ आप देख सकते हो ICAI ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है जहां पे मेंशन किया है पॉइंट नंबर फोर में रिफंड ऑफ फीस। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल वे में अगर हम बात करें, अगर आप अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे हो सीए फाउंडेशन का, द फी वंस पेड बाय द कैंडिडेट शैल नॉट बी रिफंडेड। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अगर आप एग्जाम फॉर्म फी पे कर रहे हो तो आफ्टर दैट आपका एग्जाम फॉर्म का फी जो होगा रिफंड नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट होते हैं कि अभी एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिए और कमेंट में करेंगे कि सर मैं एग्जाम है मेरा, मैं जैन में देना चाहूँगा, तो क्या रिफंड होने की कुछ कंडीशन है, तो उस टाइम पे रिफंड नहीं होगा आपका एग्जाम फॉर्म का फी। बट एक कंडीशन रखा गया है, अगर आप पेमेंट जो है मल्टीपल पेमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम पेमेंट किए और कोई इलेक्ट्रॉनिक फेलियर कुछ टेक्निकल ग्लिच आया एग्जाम फॉर्म फिलअप करते टाइम और आपका पेमेंट आपके साइड से डिडक्ट हो गया बट अभी भी आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया है सक्सेसफुली, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, अगेन एक पेमेंट करना है, मल्टीपल पेमेंट जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बार अगेन से आपको पेमेंट करना है और आफ्टर दैट जो जब आप सेकंड पेमेंट करेंगे तो उस टाइम पे आपका अगर एग्जाम फॉर्म सक्सेसफुली फिलअप हो गया है तो जो आपका फर्स्ट पेमेंट होगा उसे ICAI फाइंड आउट करेगी। देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, पेमेंट इफ आर रिसीव बाय द सेम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आइडेंटिफाई बाय द सिस्टम वुड बी रिफंडेड। सिंपल सा इसका मतलब है, आप अगर एक बार पेमेंट किए तो आपका डिटेल्स तो ICAI के पास जाने वाला है, तो क्या होगा, आप ICAI क्रॉस चेक करेगी विद इन 21 डेज में आपका जो एग्जाम फॉर्म का फी होगा, अगर आपने मल्टीपल पेमेंट किया है तो फर्स्ट वाला पेमेंट का फी रिफंड कर दिया जाएगा ICAI की तरफ से। अब यहाँ पे कुछ और बातों को याद रखना, 21 डेज में नॉर्मली आपका फी रिफंड आता है बट इन कोई ऐसा कंडीशन हुआ कि आपका फी जो है विद इन 21 डे में रिफंड नहीं हो पाया फॉर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जाम फॉर्म रिगार्डिंग क्लेम रिफंड, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक मेल आईडी दिया है देख सकते हो आप, edpexam@icai.in, यहाँ पे आपको मेल करना है, एविडेंस जो भी होगा प्रोवाइड कर देना, फॉर एग्जाम्पल आपका बैंक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जो भी होगा, आपने ICAI को पेमेंट किया तो 45 डेज में अगेन ICAI वेरीफाई करेगी और आपका पेमेंट जो होगा 45 डेज में रिफंड कर दिया जाएगा। तो मे भी समझा होगा आपको, अगर आप मल्टीपल पेमेंट कर रहे हो तो आपका एग्जाम फॉर्म का जो फी होगा रिफंड कर दिया जाएगा फ्रॉम ICAI साइड, और मैं सजेशन दूंगा एक बार अपने बैंक में भी इंक्वायरी श्योर करना। हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट्स, अगेन अगर कोई भी डाउट कोई भी क्यूरी आपको आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और अगर आप सभी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकन वाला बटन से प्रेस कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।